नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 26 मई 2021 की ग्रह स्थिति देखते हैं। सूर्य, शुक्र और राहु वृषभ राशि में, बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन वहां से परस्पर विरोधी ग्रह मंगल बैठे हुए हैं जिनके साथ सहयोग करने जा रहे हैं। तो बुध स्वगृही होने के बावजूद भी पूर्ण स्वगृही का फल नहीं देगा। चंद्रमा नीच के होकर के वृश्चिक राशि में केतु के साथ, शनि वक्री होकर के मकर राशि में और कुंभ राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा है। आइए राशिफल से समझते हैं। मेष राशि के लिए ये सही समय नहीं साबित होगा, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में, कुल मिलाकर के एक थोड़ी खराब स्थिति कही जाएगी। प्रेम की स्थिति अच्छी नहीं है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप मध्यम गति में आ गए हैं, बहुत बच के पार कर। शनि देव को नीली वस्तु अर्पित करें अच्छा होगा। वृषभ राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, प्रेम में दूरी बनी रहेगी, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये मध्यम समय होगा। काली जी को प्रणाम करते रहे। मिथुन राशि, मिथुन राशि की स्थिति, शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम में दूरी रहेगी, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चलते रहेंगे। पीली वस्तु का दान करें। कर्क राशि, भावनाओं में बह के कोई निर्णय मत लीजिए, मानसिक उदासीनता का समय है, प्रेम में तूतुमैमैं हो सकता है, स्वास्थ्य में कुछ रिएक्शन हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, व्यवसायिक स्थिति मध्यम चलेगी। शिव जी को प्रणाम करते रहिए मानसिक तौर पर। सिंह राशि, भूम भवन वाहन की खरीदारी अभी रोक दीजिए, गृह कलह के शिकार हो सकते हैं, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम अच्छा है, व्यापार मध्यम गति से आगे बढ़ता रहेगा। भगवान विष्णु को प्रणाम करते रहिए मानसिक तौर पे और सूर्य को जल देते रहिए। कन्या राशि, पराक्रम रंग लाएगा, स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम मध्यम, व्यापार सही चलता रहेगा। पीली वस्तु का दान करें। तुला राशि, धन हानि के संकेत हैं, कुटुंबों से कुछ खराब समाचार मिल सकता है, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम मध्यम है, व्यापार भी मध्यम चल रहा है। शनिदेव को प्रणाम करते रहें और लाल वस्तु का दान करें। वृश्चिक राशि, भाग्य साथ देगा, जीवन सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहेगा, जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी, प्रेम अच्छी स्थिति, संतान अच्छी स्थिति और स्वास्थ्य में भी सुधार, व्यापार ठीक चलेगा आपका। शिव जी को मानसिक रूप से प्रणाम करते रहे। धनुराशि, मन चिंतित बना रहेगा, खर्चे को लेकर के परेशान रहेंगे, नेत्र विकार या सरदर्द से परेशान हो सकते हैं, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम थोड़ी मध्यम, व्यापारिक दृष्टिकोण से सही चलते रहे, लाल वस्तु पास रखें। मकर राशि, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम की स्थिति मध्यम, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चलते रहेंगे। लाल वस्तु का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, शासन सत्ता पक्ष का सहयोग मिलेगा, राजनीतिक लाभ होगा, स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम बेहतर, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चलते रहे। बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए अच्छा होगा। मीन राशि, परिस्थितियां अनुकूल होते जा रही हैं, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम पहले से बेहतर, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आप सही चलते रह रहे। बजरंग बली को मानसिक तौर पर प्रणाम करते रहें अच्छा होगा। नमस्कार। Thank you.